हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग जो दृष्टि के मॉडल पेपर डले हुए हैं टेस्ट सीरीज, उनके एक टेस्ट को निपटा चुके थे हम लोग पिछले लेक्चर में। ठीक है, आप लोगों को वो मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स 2019 वाली प्लेलिस्ट सूची में मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिए। अब इसमें बात करते हैं हम लोग MPPSC प्रारंभिक परीक्षा का सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट, मॉडल पेपर सेकंड है। ठीक है, दूसरा आपको सबको पता होगा ये 2 घंटे का होता है, अधिकतम 100-200 नंबर होते हैं इसके। इसमें 200 अंक का होता ही है और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। ठीक, याद रखिए। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख है, तो आप लोगों को बता देना है 13वां। सी ऑप्शन है फर्स्ट का। दूसरा क्वेश्चन, तोरमाड़ किस जाति का राजा था? तोरमाड़ किस जाति का राजा था, तो आपको पता होगा हूड़, ये ऑप्शन है दूसरे का। तीसरा, देवगिरी को सर्वप्रथम किसने जीता? देवगिरी को सर्वप्रथम किसने जीता, तो याद रखना है बी ऑप्शन सही है, अलाउद्दीन खिलजी। सी ऑप्शन, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? जिंदा पीर किसे कहा जाता है, तो याद रखना औरंगजेब को, जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता था। सी ऑप्शन है चार का। झंडा सत्याग्रह के लिए किस शहर को चुना गया था, तो याद रखना है झंडा नागपुर, बी ऑप्शन है सही। 1907 में कांग्रेस का विभाजन गरम और नरम दल में किस अधिवेशन में हुआ था, तो आपको पता होगा सूरत, ए ऑप्शन सही है, सूरत अधिवेशन में। कौन सा? सूरत अधिवेशन में, ए ऑप्शन सही है। 7वां क्वेश्चन, व्यवगत सिद्धांत के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अंग्रेजों ने अधिकृत नहीं किया, तो याद रखिए मैसूर को नहीं किया था, सतारा को किया, नागपुर और झांसी, मैसूर को नहीं किया। 8वां क्वेश्चन, मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखिए श्री नारायण गुरु ने, श्री नारायण गुरु ने। सी ऑप्शन है 8 का सी है। 9, 1912 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिल्ली षड्यंत्र रचा गया, दिल्ली षड्यंत्र रचा गया, तो याद रखिए रास बिहारी बोस। दिल्ली षड्यंत्र किसके द्वारा रचा गया, रास बिहारी बोस, ये ऑप्शन सही है। 1909 में गांधी द्वारा लिखित पुस्तक हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी गई थी, तो आप सबको याद रखना चाहिए गुजराती। शिवाजी के अष्टविधान में कौन शामिल नहीं था, नहीं था पूछ रहा है, तो याद रखिए वकील नहीं था, मजूमदार था, सुमंद था, बकिया बाकियानवीस था। ठीक है, याद रखिए। 12वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, चौथ एकत्रित करने का मुख्य कारण क्या था, आय स्रोत में वृद्धि करना। ठीक है, ए ऑप्शन है 12वें का। 13, विकमी जाति जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आप सभी को पता होगा कालाहारी मरुस्थल में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई परीक्षाओं में। इराक का पुराना नाम क्या है, तो आप सभी को पता होगा इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया। याद रखिए इसमें, सॉरी, पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है, एक कांगो बेसिन में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ? कांगो बेसिन, बी ऑप्शन है 13 का, माफ करिएगा। ठीक है, इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया, यार देख लिया करो, अगर आपको लगता है कि गलत है देख लिया करो आप भी थोड़ा, और कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, जिससे दूसरे को भी पता चल जाए कि सही आंसर क्या है। ठीक है, मेरी तो हर संभव कोशिश रहती है कि आपको सही आंसर बताऊं, लेकिन अब मैं भी तो इंसान हूँ, गलती हो जाती है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है, अर्ध रात्रि के सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है, तो आप सभी को पता होगा नॉर्वे। कौन सा? नॉर्वे, नॉर्वे, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन याद रखिए। 16, ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है, तो याद रखना है ऑस्ट्रेलिया, बी सी ऑप्शन है 16 का। 17, सुंदरवन निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन उत्तम उदाहरण है,
याद रखना है आपको, ज्वारीय वन है, सी ऑप्शन है 17 का। 18, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? उड़ीसा। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? उड़ीसा में। बी ऑप्शन है 18 का। 19, क्वेश्चन नंबर 19, झरिया, रानीगंज, तालचर, कोरबा, कोयला क्षेत्र क्रमशः किस राज्य में है? तो याद रखना है आपको, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, बात करते हैं 20वां क्वेश्चन। 19 का बी है, 20 का, भारत में 90% हीरा किस शहर में प्रसंस्कृत किया जाता है? तो आपको याद रखना है सूरत में। 20 का सी है। ठीक है, 21, निम्नलिखित में से ओजोन परत किसमें पाई जाती है? ओजोन परत किसमें पाई जाती है? तो आपको याद रखना है स्ट्रेटो स्पीयर में। ठीक है, याद रखिए, बर्फ से ढकी झील गेपन स्थित है, तो याद रखिए 22 का है ये, हिमाचल प्रदेश। 23, क्वेश्चन नंबर 23, मरीरिचिका कबन्ना उदाहरण है, तो याद रखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं अपवर्तन का। 23 का सी है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है विद्युत धारा, सी ऑप्शन है 24 का। हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिए हास्य गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, याद रखिए 25 का डी। 26, एस्बेस्टोस क्या होता है? तो याद रखना है मैग्नीशियम सिलिकेट। 27, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो याद रखिए जेनेटिक कोड के लिए, जेनेटिक कोड के लिए हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 28, भारत में मिशन इंद्रधनुष संबंधित है, मिशन इंद्रधनुष संबंधित है, याद रखिए बच्चों के टीकाकरण से संबंधित, डी ऑप्शन है 28 का। किसे अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है? तो याद रखिए शशि थरूर जी हैं, शशि थरूर हैं, याद रखिए शशि थरूर को इंग्लिश अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है। भारतीय ज्ञान पीठ द्वारा किसे 33वें मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? तो याद रखिए डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? 1948 में, ये ऑप्शन है 31 का। 32वां क्वेश्चन, हवाला लेन देन भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो याद रखिए फेमा। ठीक है, ये ऑप्शन सही है 32 का। 33, 20 सूत्री कार्यक्रम का पुनर्स्थापन कब हुआ? 20 सूत्री कार्यक्रम का पुनर्स्थापन कब हुआ, वो आपको बता देना है 2006, बी ऑप्शन है 33 का। 34, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उस गांव में लागू की जाती है जिसकी जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कितनी से अधिक होनी चाहिए? तो याद रखिए 500, ए ऑप्शन है 34 का। कब खाद्य कूपन का विचार किसने दिया था? खाद्य कूपन का विचार किसने दिया? तो 35 का डी है कौशिक बसु ने, याद रखिए 35 का डी है। 36, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? तो याद रखना है 36 का बी है अनुच्छेद 18। 37वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक, पर्यावरण के संरक्षण संबंधी सिद्धांत इनमें से किसमें हैं? तो याद रखना है 2 और 3, मौलिक कर्तव्य में ही और नीति निर्देशक सिद्धांत में। ठीक है, मौलिक अधिकार में नहीं है। 38, क्वेश्चन नंबर 37 का बी है
मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक सिद्धांत। 38, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत होता है महाधिवक्ता, ठीक है, डी ऑप्शन है 38 का। 39, प्रयाग किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो याद रखिए 39 का सी है राज्यपाल। 40, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार किसमें स्थापित किया गया, ठीक है, याद रखिए डी अनुच्छेद 326। भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार किसमें स्थापित किया गया, तो याद रखिए अनुच्छेद 326 में। 41, अल्फा अल्फा क्या है, अल्फा अल्फा क्या है, तो याद रखिए घास है एक। केप 42, केप पहाड़ी जेब्रा किस देश में पाया जाता है, केप पहाड़ी जेब्रा किस देश में पाया जाता है, तो याद रखिए दक्षिण अफ्रीका में, ए ऑप्शन है 42 का। 43, होंडुरन अमराल्ड क्या है, होंडुरन अमराल्ड क्या है, तो आपको बता देना है एक पक्षी है, 43 का भी है एक पक्षी, ठीक है। 44, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, कोची में, डी ऑप्शन है 44 का डी, 44 का डी। 45, जैव विविधता को अधिकतम संकट है, तो आपको बता देना है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से, ये ऑप्शन है 45 का। 46, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के बैल संस्करण का विमोचन नई दिल्ली में किया है, इस बैल संस्करण को किसने तैयार किया है, तो याद रखिए राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ की बैल फ्रेस में, राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ की बैल फ्रेस में, 46 का भी है। 47, नवंबर 2019 में मस्कट ओमान में आयोजित समारोह में 26वें विश्व यात्रा पुरस्कार का चयन किया गया है, वर्ल्ड ट्रेवल अवार्ड, इसमें किस स्थल को विश्व अग्रणी खेल पर्यटक स्थल के रूप में चुना गया है, तो याद रखिए अबू धाबी, सी ऑप्शन है सही। 47 का सी है। 48 क्वेश्चन नंबर, मध्य प्रदेश की पहली शासकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई, तो याद रखना ग्वालियर में। मध्य प्रदेश की पहली शासकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई, डी ऑप्शन है ग्वालियर में सही। 49, हाल ही में किस राज्य किस स्थान पर एक ऐसे जलीय वातावरण की खोज की गई जहां पर जीवन के किसी भी रूप में का पूर्णता अभाव है, याद रखिए डल्लोल, डी ऑप्शन है 49 का। 50, वह है वर्ष 2019 में शहीद उधम सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई, वर्ष 2019 में शहीद उधम सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई, तो याद रखिए 120वीं, शहीद उधम सिंह की 120वीं जयंती मनाई गई है, 50 का डी है। 51, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा 25 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, डी ऑप्शन है 51 का। 52, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिए विश्व हिंदी दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिए विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, तो इसमें पूछा है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसमें सी ऑप्शन सही है, ठीक है, 10 जनवरी। 53, हाल ही में दूरदर्शन में वतन नामक देश गीत लॉन्च किया गया, इस गीत के गायक कौन है, तो सबको पता होगा जावेद अली, वतन नामक देशभक्ति गीत लॉन्च किया गया, इस गीत के गायक हैं जावेद अली, ए ऑप्शन है 53 का। 54, वर्ष 2019 में किसको रैमन मक्सेस पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो याद रखिए 54 का रवीश कुमार भी है, नीला पिजित अंग खाना भी है, को सोए बिन है, तो उपयुक्त सभी है, इन सभी को याद रखिए, रवीश कुमार, नीला पेजित, अंग खाना, को स्वयं बिन, ठीक है, चंगन का डी है। 55, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा भारत में प्रथम टाइम रिलीज स्टडी का संचालन किया जा रहा है,
याद रखना ए ऑप्शन सही है, वित्त मंत्रालय। पचपन का ये है 56। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो याद रखिए 56 का है बी ऑप्शन, 112वां। 56 का 112 आंसर है, बी ऑप्शन सही है। 57 दिसंबर 2019 के मध्य अटलांटिक संधि संगठन के सदस्य देशों की सरकार की प्रमुख बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो आपको याद रखना है लंदन यूके में, डी ऑप्शन सही है 57 का। 58 क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिए उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, ए ऑप्शन सही है। 59 न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात जिला वाला जिला है इनमें, तो याद रखिए मुरैना। अगर भिंड दिया होगा होता तो भिंड नहीं, मुरैना शिशु लिंग अनुपात में है, और नॉर्मल मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात पूछे तो सबसे कम है भिंड में, वो सबसे ज्यादा है बालाघाट में, ठीक है याद रखिए। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कई परीक्षाओं में, तो याद रखिए 2 से 3 दिसंबर 1984, 2 से 3 दिसंबर 1984, ये ऑप्शन सही है। किस जिले में अशोक के शिलालेख पाए गए? तो याद रखिए दतिया में, डी ऑप्शन सही है 61 का। 62 निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? मध्य भारत का पठार, पश्चिमी पठार ए नहीं है, बी ऑप्शन है इसमें, सतपुड़ा और मैकाल श्रेणी ये भी है, नर्मदा सोन घाटी है ये भी है, पश्चिमी पठार नहीं है याद रखिए। 62 का बी ऑप्शन है। 63 मालवा का पठार किस मिट्टी से बना है? मालवा का पठार किस मिट्टी से बना है? तो याद रखना है काली मिट्टी, मालवा का पठार काली मिट्टी से बना है, सी ऑप्शन है 63 का। 64 छिप्रा किसकी सहायक नदी है? छिप्रा किसकी सहायक नदी है? तो आपको पता होगा चंबल की, छिप्रा नदी के किनारे उज्जैन नगर बसा हुआ है याद रखना। 64 का सी है। 65 नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? चीता के लिए, ए ऑप्शन है 65 का। 66 मध्य प्रदेश में कौन सा जिला अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना है रतलाम, सी ऑप्शन है 66 का। 67 मध्य प्रदेश के किस जिले को देश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है? तो आपको सबको पता होगा सिंगरौली, डी ऑप्शन है 67 का। 68 मध्य प्रदेश में पीति भूमि भूति कागज कारखाना कहाँ स्थित? प्रतिभूति कागज कारखाना कहाँ स्थित है? तो याद रखिए होशंगाबाद में, ये ऑप्शन सही है 68 का। 69 मध्य प्रदेश का सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र नगर किस नगर में स्थापित किया गया था? तो आपको सबको पता होगा इंदौर में। 70 असीरगढ़ का किला किस जिले में है? तो याद रखिए असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में स्थित है। 71 70 का सी है। 71 मध्य प्रदेश में तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है? तो याद रखिए ग्वालियर में। निवाड़ उत्सव का आनंद नदी के तट पर होता है? तो याद रखिए होता है नर्मदा नदी के तट पर, निवाड़ उत्सव का आनंद नर्मदा नदी के तट पर लिया जाता है। 73 क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किस जनजाति में घोटुल प्रथा प्रचलन है? घोटुल प्रथा प्रचलन है, तो याद रखिए बुरिया में, बी ऑप्शन है 73 का। 74 इन विश्वविद्यालय में कौन सा भोपाल में स्थित नहीं है? तो याद रखिए 74 में सी है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय नहीं है यहाँ। भरतपुल्ला विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, और मध्य प्रदेश भोज मुक्त ओपन विश्वविद्यालय है, सी ऑप्शन है 74 का। 75 तत्या टोपे स्टेडियम कहाँ है? तत्या टोपे स्टेडियम कहाँ है? तो आपको बता देना है भोपाल में। 76 एगमार्क का संबंध है, एगमार्क का संबंध है गुणवत्ता से, 76 का भी है। 77 निम्नलिखित में से कंप्यूटर भाषा है? तो सी,
ये ऑप्शन सही है। 78, ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के नियामक एक संस्था है? तो याद रखिए सी ऑप्शन सही है, दूरसंचार। चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है? चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है? शतरंज से, बी ऑप्शन सही है, 79 का। 80, सज्जनों का खेल किस खेल को कहा जाता है? सज्जनों का खेल किस खेल को कहा जाता है? तो याद रखिए क्रिकेट को, क्रिकेट को सज्जनों का खेल कहा जाता है, याद रखिए। 81, लिनक्स एक है, लिनक्स एक है, तो याद रखिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। 82 क्वेश्चन नंबर, डिंग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? डिंग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? तो याद रखना है आपको हिमा दास को, ठीक, हिमा दास को डिंग एक्सप्रेस कहते हैं। 82 का ए ऑप्शन सही है। दिल्ली कैपिटल कैपिटल टीम के कप्तान है? दिल्ली कैपिटल टीम के कप्तान है, तो आपको याद रखना CSIR, ये ऑप्शन है 83 का। 84 क्वेश्चन नंबर, 84, मानवाधिकार आयोग या राज्य मानवाधिकार का प्रत्येक सदस्य इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा इस के अर्थ में समझा जाएगा? लोक सेवक, ठीक है, ये ऑप्शन है 84। 85 क्वेश्चन नंबर, मानवाधिकार अधिनियम के अंतर्गत तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी जहां सरकार का यह अधिकार है कि ऐसा करना आवश्यक है वह है वहां वह एक या अधिक कर सकेगी क्या? तो याद रखिए विशेष अन्वेषण दलों का गठन, विशेष अन्वेषण दलों का गठन, सी ऑप्शन है 85 क्वेश्चन नंबर 85 का, ठीक। 86 बार, राज्य आयोग उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा जो राज्य सरकार से परामर्श करके भेद करे। तो याद रखिए भारत के महालेखा महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से, सी ऑप्शन है 86 का। 87, मानवाधिकार से प्राण स्वतंत्रता समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत है जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं या अंतर्राष्ट्रीय संविदा में सन्निर्दिष्ट और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तित है। परिभाषा अधिनियम किस किस धारा में दी गई है? तो आपको याद रखना है धारा 2 घ में, ठीक, सी ऑप्शन है 87 का। 88 क्वेश्चन नंबर, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सिविल अधिकार का आशय संविधान के किस अनुच्छेद से अभिप्रेत है? तो आपको बता देना है 88 का सी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 17, ठीक, 88 सी है। 89 क्वेश्चन नंबर, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 को संशोधन से पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आपको पता होगा अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, ठीक है, ये ऑप्शन है 89। 90, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कुछ दशाओं में अनुज्ञप्तियों को रद्द या निलंबित किया जाने का उपबंध किया गया है? तो याद रखिए 90 का ये ऑप्शन है धारा 8 में। 91 क्वेश्चन नंबर, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 को संसद द्वारा भारत गणराज्य कौन से वर्ष में अधिनियमित किया गया? तो याद रखिए आपको याद रखना है 91 का सी ऑप्शन, छठे वर्ष, ठीक है, सी ऑप्शन है 91। 92 क्वेश्चन नंबर, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में निम्नलिखित धाराओं तथा उनके प्रावधानों को कौन सा सम्मिलित नहीं है? धारा 2 में सिविल अधिकार है, सही है, धारा 2 काका में होटल है, 2 खा में दुकान है, 2 गा ये गलत है, ठीक है, दुकान की परिभाषा 2 डा में दी गई है, 2 डा में, और 2 2 गा में दी गई है, लोक मनोरंजन स्थल की, ठीक है, याद रखिए 2 नाम है, घा नाम है आता है जो घाघड़ी वाला इना उसी में है दुकान की परिभाषा। 93 क्वेश्चन नंबर, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अस्पतालों आदि में व्यक्तियों को प्रवेश करने देने से इनकार करने के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो
याद रखिए 93 का बी ऑप्शन है, धारा 5 में। 94 क्वेश्चन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत अत्याचार से अभिभूत है, याद रखिए 94 का बी ऑप्शन है, अत्याचार अत्याचार से अभिभूत है, याद रखिए धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत अत्याचार से अभिभूत है, धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध। आप लोग एक बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लिया करो, क्योंकि पता है आधा तो हमसे गलती इसलिए हो जाता है क्योंकि हम आंसर क्वेश्चन नहीं पढ़ते सही से, जल्दी जल्दी में यही सोच के लगा देते हैं कि हमें सब कुछ आ रहा है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लिया करो। 95 क्वेश्चन नंबर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में वन अधिकार को परिभाषित किया गया है, तो याद रखना है धारा 2 खाड़ डा में। याद रखिए ये अत्याचार निवारण शब्द भी याद रखिए, क्योंकि मैंने देखा है एक बार एमपीपीएससी में पूछ लिया था ये। ठीक है, अत्याचार निवारण यह शब्द कौन सा है, तो याद रखिए दो धारा 2 खाड़ा में। फिर 96 क्वेश्चन नंबर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में पीड़ित को परिभाषित किया गया है, पीड़ित को परिभाषित किया गया है, तो याद रखिए इसमें डा गा में परिभाषित किया गया है, धारा 2 डा गा में। फिर 97 क्वेश्चन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस अध्याय में निष्कासन की व्यवस्था का प्रावधान है, किस अध्याय में, तो याद रखिए अध्याय 3 में, सी ऑप्शन है 97 का। 98 क्वेश्चन नंबर, भारत का खेल प्राधिकरण का मुख्यालय है, भारत का खेल प्राधिकरण का मुख्यालय दिल्ली में, 58 का डी है। हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई, हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई, 2009 में, याद रखिए हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में हुई, बी ऑप्शन है 99 का। 100% सौर ऊर्जा संचालित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो याद रखिए दीव। ठीक है, ये ऑप्शन है 100 का। चलिए, तो हम लोग दो सेट खत्म कर चुके हैं, एक इसमें एक पिछले लेक्चर में, अब तीसरा सेट हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में।